एक धनवान भक्त मंदिर गया, पैरों में महंगे और नए जूते होने पर उसने सोचा कि क्या करूं, यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तभी उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई देता है। वह धनिक भिखारी से कहता है, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं? भिखारी ने भी हां में सर हिला दिया। अंदर पूजा करते समय धनिक ने सोचा, हे प्रभु, आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है, किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों तक में महंगे जूते पहनता है तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है, कितना अच्छा होता कि सबको एक समान मिलता। मन ही मन वह धनिक निश्चय करता है कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 रुपए का एक नोट देगा, लेकिन बाहर आकर वह धनिक देखता है कि वहां ना तो भिखारी है और ना उसके जूते। धनिक थका सा महसूस करता है। वह कुछ देर भिखारी का इंतजार भी करता है कि शायद वह किसी काम से कहीं चला गया हो, पर काफी समय उपरांत भी वह वापस नहीं आता है तो दुखी मन से धनिक आगे बढ़ जाता है। धनिक दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चलता रहता है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक फुटपाथ पर एक दुकान की तरफ जाती है। वह आदमी जूते चप्पल बेच रहा होता है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है, पर यह क्या देखता है कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। धनिक दबाव डालकर उससे जूते के बारे में पूछता है तो वह आदमी बताता है कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपए में बेच गया। धनिक वही खड़े होकर कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। धनिक को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे कि समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी। हर एक प्राणी अपने कर्मों के फल के अनुसार ही भोगता है। ये हमारे कर्म तय करते हैं कि कब कैसे क्या मिलना है। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उससे 100 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी के कर्म फल ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, शोक लोक परलोक इत्यादि तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। साधक जनों, अपने कर्मों को सही दिशा प्रदान कीजिएगा, सत्य कर्मों की पूंजी इकट्ठा कीजिएगा और डटकर भगवान का नाम जपिएगा। इसी में हमारा परम कल्याण निहित है। आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल प्रभु समय पर देते रहेंगे।